हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। सबसे पहले हम बात करें जो वर्णमाला है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण वर्ण प्लस माला। ठीक है, ये है वर्णमाला। सबसे पहले हम बात करें वर्णमाला की, जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, उसको हम क्या मानेंगे, ध्वनि मानेंगे। ठीक है, ध्वनि को ही अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें वर्णमाला की, तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा उसको हम कहेंगे वर्णमाला। ठीक है, अब इनकी संख्या की बात करें तो जो इनकी संख्या होती है, इसमें जो कुल वर्ण होते हैं, ठीक है, जो कुल वर्ण होते हैं इनकी संख्या होती है 52, यानी कि 52। और यदि मूल वर्णों की संख्या की बात करें तो मूल वर्णों की संख्या होती है हमारी 44। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकांश तो बनता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी हम कुल वर्णों की संख्या के स्थान पर क्या कर देते हैं, मूल वर्णों की संख्या को ऐड कर देते हैं, सीधा वही लिख देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्ण होते हैं हमारे 52, और जो मूल वर्णों की संख्या होती है, मूल वर्णों की संख्या होती है हमारी 44, यानी कि 44। ठीक है, जो ये 44 है, इसमें से जो स्वर होते हैं, इसमें स्वर होते हैं 11, और जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं 33। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेनली जो हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका अगर वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के आधार पर इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले उच्चारण या उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा तारत्व के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले ये उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम दो वर्गों में, दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है पहला स्वर, और दूसरा आ जाता है हमारा व्यंजन। और आज हम बात करेंगे अपने स्वर, जो ये हमारे स्वर होते हैं, इन पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, जो स्वर होते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनको क्या कहेंगे हम, स्वर। और स्वर को ही हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मात्रा भी कहा जाता है। स्वर को दूसरा हम कह सकते हैं कि जो बिना सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं या जो बिना सहायता के बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहेंगे। ठीक है, और जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या हमारी होती है 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे ये अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ, ये हो जाते हैं हमारे क्या, स्वर। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकी बात करें जो स्वर वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है, अधिकांश तो आपने तीन देखा होगा स्वर वर्ण के भेद, लेकिन ये चार होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद चार होते हैं। पहला आता है हर्ष स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, तीसरा आता है संयुक्त स्वर, और चौथा आता है प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हर्ष स्वर की, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको हम कहेंगे हर्ष स्वर। इनकी संख्या होती है चार। ठीक है, अ ई उ और री। ठीक है, जो ये अ ई उ और री होते हैं इनको हम हर्ष स्वर कहेंगे। और जो ये हर्ष स्वर होते हैं अ ई उ और री, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अधिकांश तो बनता है कि मूल स्वर किसको कहते हैं, तो मूल स्वर किसे कहेंगे हम, जो हर्ष स्वर के ये चार हैं अ ई उ और री हैं, इनको ही हम मूल स्वर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, जो दीर्घ स्वर होता है इनमें हर्ष से दुगुना समय लगता है, यानी कि हर्ष में कितना समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, यानी कि जिनको बोलते समय बहुत कम समय लगता है उनको हम हर्ष स्वर कहेंगे। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, जो हर्ष से दोगुना समय जिसमें लगता है उसको हम कह देंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या होती है,
यदि हम मूल संख्या की बात करें तो मूल संख्या होती है हमारी 3, और जो अगर कुल संख्या की बात करें यानी टोटल संख्या, तो टोटल संख्या हमारी हो जाती है 7। ठीक है, जो ये मूल संख्या होती है इनकी, ये है आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, जो संयुक्त स्वर है ये जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, यानी क्या, इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जो स्वर वर्ण है ये स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो व्यंजन होता है अधिकांश का क्वेश्चन बनता है इसमें कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, जो कि 4 होती है, और जो संयुक्त स्वर होते हैं संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी संख्या भी 4 तो होती है, लेकिन इसमें हो जाते हैं हमारे ए, आई, ओ और औ। और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं व्यंजन में अक्ष, त्र, अर्घ्य, अश्र, ये जो होते हैं ये 4 वो हो जाते हैं। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या होती है, ये होती है ए, आई, ओ और औ। ठीक है, जो ए बनता है, ए जो अ, आ प्लस ई और बड़ी ई से बनता है हमारा ए, और जो बड़ा आई है यानी आई है, आई बनता है अ, आ प्लस ए और आई से बनता हमारा बड़ा ई, बड़ा आई। ठीक है, और जो ओ की बात करें तो ओ अ, आ प्लस ऊ और उ को मिलकर बनता है हमारा ओ, और आओ की बात करें तो अ, आ प्लस ओ और आओ से मिलकर बनता है हमारा क्या, आओ, ये आओ। ठीक है, यानी ये कौन से हो जाते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या ये 4 हो जाती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो इसमें जो प्लुत स्वर है, ठीक है, प्लुत स्वर है, तो वैसे इसको मिटा देती हूँ। जो हमारा प्लुत स्वर होता है, नेक्स्ट प्लुत स्वर, ठीक है, तो प्लुत स्वर में क्या होता है, इसमें 3 गुना समय यानी तिगुना, बहुत ज्यादा समय इसमें लगता है, इसकी संज्ञा मेनली 1 ही होती है। जैसे हम अगर कहें राम, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे प्लुत स्वर। जैसे हम बोल सकते हैं ओम, ये ओम, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं ओम, या हम लिख सकते हैं ऐसे वाला ओम, तो ये हमारा प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, अधिकांश तो क्या होता है, इसमें एक बात को ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा इसको मिटा देती हूँ। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या यानी किनकी संख्या, जो स्वरों की संख्या होती है, ठीक है, स्वरों की संख्या 12 बताते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ री तथा ऋ को, जो दीर्घ री होता है और री होता है, इन स्वर वर्णों की संख्या को 14 मानते हैं, परंतु इसका आंसर 11 ही होता है, जो प्रेजेंट टाइम है इसमें 11 माना जाता है स्वरों की संख्या को। ठीक है ना, ठीक, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट में एक बात बता दूं आपको, जो कुछ विद्वान है, नेक्स्ट नोट करके लिखना या नोट करके वो करना, जो कुछ विद्वान है वो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर, जो संयुक्त स्वर होता है और जो दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर प्लस दीर्घ स्वर, ठीक है, जो संयुक्त स्वर है और जो दीर्घ स्वर है, ठीक है, इनको एक साथ जोड़कर, इनको एक साथ जोड़ते हैं और इनका क्या बताते हैं, 3 भेद बताते हैं, 3 भेद, ठीक है, कौन से, उच्चारण के समय जब हमने ये पढ़ा था ना, हर्स्व, दीर्घ, हर्स स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और जो ये होता है संयुक्त स्वर, ठीक है, तो मैंने 4 बताए थे आपको, तो यही जो संयुक्त स्वर है और जो दीर्घ स्वर है इनको जोड़कर 3 भेद बताए हैं कुछ विद्वानों ने, ठीक है, और आंसर भी 3 ही मेनली माना जाता है, लेकिन अगर कुल की बात करें कि टोटल कितने होते हैं, तो वैसे 4 होते हैं टोटल, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना।
एक मैं और आपको बता दूं, हमने पढ़ा आज संयुक्त स्वर, आज हमने पढ़े स्वर, ठीक है। इसमें जो हमारा है अ, ठीक है, अ को हम कहते हैं शहीद वर्ण, ठीक है, ये भी नोट करना, जो अ है अ को हम कहते हैं शहीद वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा अंग और अह, इनको ना हम स्वर में ऐड करते हैं और ना ही हम व्यंजन में ऐड करते हैं, ठीक है। जो अंग और अह है, ना ही हम इनको स्वर में ऐड करते हैं और ना ही व्यंजन में ऐड करते हैं, ठीक है। और अंग को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं अंग को, अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार, और अह को बोलते हैं हम विसर्ग, ठीक है। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और अह को बोलते हैं हम विसर्ग। और दोनों की बात करें, यदि क्वेश्चन आ जाए कि अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह, तो अयोगवाह ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है, अंग और अह संयुक्त रूप से इनको अयोगवाह कहते हैं, अंग और अह को बोलते हैं हम अयोगवाह। और यदि कहें अनुस्वार, तो अनुस्वार कहते हैं हम अंग को, और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग कहते हैं अह को, ठीक है। और एक बात फिर आपको बता दूं कि जो अ है अ को हम कहते हैं शहीद वर्ण। तो आज हमने बात की सिर्फ स्वरों पे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णमाला, फिर जो इसके पार्ट थे मैंने वो बताया, और फिर जो 11 हमारे स्वर होते हैं वो बताया, और जो अंग और अह है वो बताया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है व्यंजन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। टॉर्च बंद हो गई।